कि अब लोग एहतजाज कर रहे हैं बिजली के बिलों के ऊपर, तो उसके ऊपर भी एफआईआरें काटी जा रही हैं। यार कोई हद होती है जुल्म की, हद होती है। और यकीन करें, मैं ये सोच रहा था कि अगर हमारी अशराफिया का यही रवैया रहा, गरीबों के घरों में बिजली के बिलों की सूरत में ये जो जुल्म के परवाने आप भेज रहे हैं, ये भेजे जाते रहे, तो फिर अल्लाह ना करे ये सूरत हाल इनकलाबे फ्रांस जैसे किसी सानहे पर मुंतज हो सकती है। और वहां पता क्या हुआ था, सुन ले जरा, विल ड्यूरेंट मशहूर मौर्रख और फलसफी अपनी किताब हीरोज ऑफ हिस्ट्री में लिखता है कि मलका जो फ्रांस की थी, मेरी एंटोइनेट जीन, पेरिस से 23 मील दूर खूबसूरत महल में वो रहती थी, और उसने गरीबों का मजाक उड़ाते हुए तंजिया एक जुमला ये कहा था कि अगर इनको रोटी नहीं मिलती तो ये केक क्यों नहीं खा लेते। और उसके बाद जब हजूम बिफरा तो उस मलका और उसके शोहर लुई को पकड़ा गया, उन्हीं की गाड़ी में बिठाकर गिलुटिन तक लाया गया। गिलुटिन किसको कहते हैं जानते हैं? वो जो एक छुरा आता है ऊपर से चरखियों पे घूमता हुआ और नीचे आके गर्दन को काट के रख देता है, उसको गिलुटिन कहते हैं। वहां लाया गया और उसके सामने उसके शौहर लुई को पहले उसका सर तन से जुदा किया गया। मलका के साथ उसके इस जुमले की वजह से इतना गुबार था लोगों के अंदर कि उसको मजबूर किया गया कि वो अपने कपड़े अपने पहरेदारों के सामने तब्दील करे। वो मातमी लिबास पहनना चाहती थी, उसे इसकी इजाजत नहीं दी गई। उसके हाथ पीछे बांधे गए, उसके बाल मूंड दिए गए, और उसको एक घास ले जाने वाले के ऊपर बिठाकर सात जल्लाद बैठा और उसको सरेआम डराया गया। 16 अक्टूबर 1793 को 12:15 पर जब उसको गिलुटिन के नीचे लटाया जाने लगा तो उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने ये जुमला जानबूझकर नहीं कहा था। लेकिन उसके माफी नहीं मिली, उसका सर तन से जुदा हुआ, उसको एक ऐसे गुमनाम घड़े में फेंका गया जिसका कोई नामो निशान नहीं मिला, क्योंकि कब्रिस्तान भर चुके थे, इनकलाबी जो लोग थे वो मारे जा चुके थे लाखों की तादाद में। और उसके बाद उसके सर का फुटबॉल बनाया गया, कई घंटे तक लोग उसके सर से फुटबॉल खेलते रहे। और यही नहीं, एक और किरदार था जनरल रोहान का, उसको बादशाह ने जिम्मेदारी दी थी कि इनकलाबियों को कुचलो, और उसने जब लोगों को पकड़ा और जब वो मौत के घाट उतारने लगता तो लोग जिंदगी की भीख मांगते तो आगे से कहता, एहतजाज क्यों करते हो? लोग कहते हम 10-10 दिन से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं, हम इसलिए एहतजाज करते हैं। तो उसने आगे से कहा, पेरिस में बड़ी घास है, तुम घास क्यों नहीं खाते? उसी जर्नैल को ग्लूटिन के पास खड़ा करके घास खाने पे मजबूर किया गया, और फिर उसके मुंह में घास ठोंस दी गई, और उसके बाद उसको ग्लूटिन पे लटा के उसका सर भी तन से जुदा कर दिया गया। मैं मैसेज देता हूं पाकिस्तान की शराफिया को कि खुदारा बस कर दें, खुदारा बस कर दें, इस अवाम का इतना इम्तिहान ना लें। ये ना हो कि ये गरीब अवाम फिर आपके गिरेबानों तक पहुंचे तो आपको भागने को रास्ता ना मिले।